स्वामी विवेकानंद जयंती की पूर्व संध्या पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने छात्र संघ चौक स्थित विवेकानंद की जयंती पर दीप प्रज्वलित किया तथा माल्यार्पण करके उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए परिषद के गोरखपुर विश्वविद्यालय इकाई के महामंत्री सौरभ कुमार गौड़ ने बताया। सौरभ कुमार गौड़, महानगर मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कल विवेकानंद की जन्म दिवस के अवसर पे उनके प्रतिमा की साफ सफाई की, दीप प्रज्वलन कार्यक्रम किया, माल्यार्पण कार्यक्रम किया एवं उनके विचारों को फैलाने के लिए लोगों को जागरूक किया। वो कहते थे कि आज का युवा है वो लक्ष्य की प्राप्ति तक तब तक न रुके जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। उस विचारों को फैलाने का संकल्प हम लोग लेंगे। जो नौजवान हैं, हमारे देश के युवा हैं, उन लोगों से हम लोग कोशिश करेंगे कि वो युवा, वो नौजवान जो देश को विवेकानंद जी विश्वगुरु बनाना चाहते थे, उसमें हम सब कामयाब हो, इस देश को विश्वगुरु बनाए। इस अवसर पे, विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पे कल भी हम लोगों का संगोष्ठी कार्यक्रम है, बाल विहार पे दीप प्रज्वलन कार्यक्रम है। गोरख प्रांत के सभी जिलों में कुछ न कुछ ऐसा कार्यक्रम है जिससे हम लोग युवाओं को प्रेरित कर सके, समाज में जो भ्रांतियां फैली हैं उसको दूर कर सके और हम लोग समाज के विकास के लिए युवाओं के योगदान को भी हम लोग रखते हैं कि जो नौजवान है युवाओं के योगदान के बारे में जाने, नौजवान जाने कि देश के लिए हमें क्या करना है। वो सिर्फ अपने लिए ना सोचे, वो सिर्फ अपने परिवार के लिए ना सोचे, वो देश के बारे में भी सोचे कि हमें देश के लिए क्या करना है। क्योंकि हम जब देखेंगे तो हमारे पूर्वज, बहुत से ऐसे पूर्वज थे जो देश के लिए मर गए, देश के लिए उन्होंने अपना अस्तित्व खत्म कर दिया, उन्होंने अपने जान की कुर्बानी दे दी। आज के इस दौर में नौजवान जो साथी हैं उनको हम लोगों को बताना होगा, उनको जानना होगा कि देश के लिए हमें क्या करना है और हमें परिवार से और गांव क्षेत्र से निकल के आगे देश के लिए भी कुछ सोचना होगा। इसी अवसर पे विवेकानंद जी के जन्म दिवस के पूर्व संध्या पे हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को, ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को हम लोग विवेकानंद जी के बातों से हम लोग प्रेरित कर सके।